उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और इस बयान को सीधे तौर पर जल्द होने वाले विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और वो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरक्षण और जाति के मुद्दों पर है बीजेपी का यह जवाब? जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है, क्या यह आरक्षण और जाति के मुद्दों पर बीजेपी की तरफ से जवाब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब यूपी की सियासत तेज हो गई है। समाज और देश को बांटने के आरोप के साथ कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा बताकर सीएम योगी ने अलीगढ़ से इस मुद्दे को हवा दे दी। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव के लिए अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें खैर विधानसभा सीट भी शामिल है और जाट लैंड से ये सीट पहचानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी एक बार फिर अपनी जीत चाहती है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनूप प्रधान के हाथरस का सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा इसी क्षेत्र में था और एक संबोधन के दौरान सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, समाज को बांट कर यही पाप कांग्रेस और सपा कर रही है। तो आइए आपको सुनवाते हैं पूरी बात, सीएम योगी ने क्या कही थी। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति विस्फोट कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। सुनिए, आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, चाहे वह अलीगढ़ हो, चाहे वह झांसी हो या कानपुर या लखनऊ, सभी रोड पर काम प्रारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया है। कांग्रेस के समय में दंगे की चर्चा कर रहे थे चौधरी लक्ष्मी नारायण के। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी बहन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन साथ साथ किसी दंगाई को भी अराजकता फैलाने की छूट भी नहीं देंगे। कोई सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा और मैंने पहले ही कहा हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा। जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बटाने का काम करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। सवाल यह है कि क्या जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है, बार बार आरक्षण को मुद्दा बना रहा है, संविधान को मुद्दा बना रहा है, क्या उपचुनाव से पहले योगी ने जानबूझकर यह बयान दिया, वो भी उस अलीगढ़ में जहां पहले ही जिन्ना की तस्वीर को लेकर कई बार विवाद हो चुका है, खैर जाटलैंड की सीट है, तो क्या इस तरह के बयानों से वहां पर लामबंदी की कोशिश अभी से शुरू हो गई है, ध्रुवीकरण की कोशिश अभी से शुरू हो गई है? सीएम योगी के जिन्ना वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि सीएम योगी को पहले आडवाणी जी के पास जाकर पूछना चाहिए कि आडवाणी जी जिन्ना के मजार पर फातिहा पढ़ने गए थे या भविष्य में योगी जी के सीएम बनने की दुआ मांगने गए थे। वैसे योगी जी ने तत्कालीन बीजेपी नेता जसवंत सिंह की जिन्ना पर लिखी किताब बड़े चाव से पढ़ी होगी। योगी जी उस किताब में अपने बारे में कुछ लिखा खोज रहे होंगे। क्यों योगी जी, जिन्ना की आत्मा किस किस भाजपाई में घुसी है, जरा बताने का कष्ट कीजिए। यह हमला समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया सेल की तरफ से बीजेपी पर और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होंगे उनमें करहल, मिल्केपुर, सीसमऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरपुर शामिल हैं। जिन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं। तो वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक मामले
में 2 साल से अधिक की जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द होने की वजह से खाली हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।